चेतन शर्मा की अगुवाई वाली चयन समिति 15 या 17 सदस्यीय टीम का ऐलान कर सकती है। एशिया कप की टीम से इस बात का कुछ हद तक अंदाजा हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाली टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का संयोजन क्या होगा। भारत की स्टार महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंदाना इन दिनों शानदार फॉर्म में चल रही हैं। पाकिस्तान के खिलाफ शानदार 63 रन बनाने वाली स्मृति ने टी20 क्रिकेट में एक खास उपलब्धि हासिल कर ली है। वो टी20 में 2000 से ज्यादा रन बनाने वाली देश की दूसरी ओपनर बल्लेबाज बन गई। इस मामले में उनसे आगे पुरुष टीम के कप्तान रोहित शर्मा हैं। रोहित शर्मा ने भी बतौर ओपनर ही 2000 से ज्यादा टी20 रन बनाए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों वेस्टइंडीज और अमेरिका के दौरे पर है। टीम इंडिया वेस्टइंडीज में 3 वनडे और 3 टी20 मैच खेलने के बाद 2 टी20 मैच के लिए अमेरिका के फ्लोरिडा में पहुंच चुकी है। वहां 6 और 7 अगस्त को दोनों टीमों के बीच मुकाबले खेले जाएंगे। इसी बीच एक खबर आ रही है कि BCCI हार्दिक पांड्या को लेकर एक बड़ा फैसला ले सकता है। हार्दिक को टी20 में टीम का नियमित उपकप्तान बनाया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। पहलवान बजरंग ने दिखाया बल, जीता सोना। पहलवान साक्षी मलिक ने रचा इतिहास, स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पहलवान दीपक पुनिया ने पाकिस्तानी पहलवान को चित कर जीता स्वर्ण। पहलवान अंशु मलिक ने जीता रजत पदक। पहलवान दिव्या काकरण ने जीता कांस्य। पहलवान मोहित ग्रेवाल ने भी कांस्य पदक जीता। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट मनिका बत्रा बाहर हो गई। हेमा दास 200 मीटर स्प्रिंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में हारी। भारतीय पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना का मेडल पक्का। भारतीय रिले टीम फाइनल में। शरद कमल प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। लॉन बॉल्स में भारत फाइनल में पहुंचा। जाते जाते आपके लिए एक सवाल, टी20 में सबसे ज्यादा शतक मारने का रिकॉर्ड किसके पास है? इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।